खरगोन शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार राधा वल्लभ मार्केट में बुधवार सुबह उस वक्त हदकंप मच गया जब सायरन बजाते पुलिस वाहन पहुंचा, आवाजाही बंद कर इलाके की घेराबंदी कर दी। दुकानें खोलने पहुंचे व्यापारियों के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आने लगे। इसके बाद बम स्क्वाड अधिकारी ने जब अनाउंस कर जानकारी दी कि एटीएम के बाहर एक बैग में बम मिला तो लोग दहशत में आ गए। हालांकि कुछ देर बाद अफसरों से साफ किया कि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा है। बम स्क्वाड के संजय मोरी ने बताया, आतंकी या आपात स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों ने लावारिस बैग को कब्जे में लेकर बम निरोधक सामान के साथ बम को निष्क्रिय करने का अभ्यास किया। यह आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम व किसी भी आपात स्थिति से निपटने को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के बाद व्यापारियों ने राहत महसूस की। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। मुख्यालय का एक आदेश है, शेड्यूल होता है, पुलिस फ्लैग डे होता है जो हर साल मनाया जाता है, सप्ताह होता है 21 से 30 अक्टूबर तक। उसमें हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उससे, तो उसकी बिहाफ पे हम लोगों ने किया है एसपी साहब के आदेशानुसार। इसमें सोच रहती है कि जो हुड़दंगी लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अफवाह फैलाना और ये सब चीजें, तो उनसे हम लोग एक मैसेज भेजते हैं कि भाई आप लोग अलर्ट रहें, हम लोग चूंकि अलर्ट हैं तो ये हरकतें ना करें अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी। आप अचानक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक अज्ञात बैग पाया जाता है जिसकी सूचना जब आप लोगों को मिलती है तुरंत किस तरह से एक्शन लिया जाता है उसको लेकर? हम तुरंत कंट्रोल को सूचना दे देते हैं कि आप तत्काल वहाँ पे घेरा बना दें और जो भी आम नागरिक हैं उनको वहाँ से हटा दें, खाली करवा दें वो पूरा एरिया ताकि कोई घटना घटित ना हो। और तत्काल हम लोग की पूरी टीम रवाना होती है, उसको हम कार्डन कर लेते हैं, फिर कवर करके हम सब चीजें जो अभी आप लोगों ने देखी है बस ये पूरी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जब इसे किसी बैग को मतलब कि अपने कब्जे में लिया जाता है उसको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है? उसमें ये रहता है कि हम एक सुनसान जगह जहाँ पे किसी तरह का कोई घटना घटित होने की संभावना ना हो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे उसको फिर या तो डिफ्यूज हो पाता है तो करते हैं, अन्यथा उसमें एक एक्स्ट्रा आईडी बना के उसको ब्लास्ट किया जाता है। कितनी टीम इसका काम कर रहे हैं? इसमें एक ही टीम होती है, एक टीम में 5 लोग होते हैं। इसमें हमारा डॉग स्क्वाड भी होता है जो अहम भूमिका निभाता है, वो स्मेल करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है उसमें या कौन सा बारूद है, अगर है तो हमें इंडिकेशन दे देता है। हाल फिलहाल तैयारी मौसम चल रहा है, आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन को हमेशा हम लोगों का द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि आप हमेशा सतर्क रहें, कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलती है आप लोगों को या ऐसा फील होता है कि लावारिस टाइप की है कई दिनों से वो किसी की नहीं दिख रही है तो आप हमें या सूचना कंट्रोल को दे सकते हैं या नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है वहाँ पे आप सूचना दे सकते हैं ताकि हम लोग को सूचित करें और हम तत्काल एक्शन ले लें उस चीज के लिए। मैं निरीक्षक संजय मौर्य निवाड़ रेंज।